मैं देवात्रम शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है शाला दर्पण पे विभिन्न कक्षाओं के परीक्षा परिणाम है वो तैयार हो रहे हैं, जिसमें मार्क्स की एंट्री का काम भी चल रहा है। ग्रीन सीट शुरू हो गया, ग्रीन सीट जनरेट का ऑप्शन है वो कल दोपहर तक बंद कर दिया गया, तो उसको वापस शाम को शुरू कर दिया गया है, तो आप अब वापस उस पर कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी चौथी कक्षा का रिजल्ट किस तरीके से तैयार होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और इसके अलावा जो कक्षा पहली दूसरी है उसके लिए आपको ऑफलाइन रिजल्ट है वो होलिस्टिक कार्ड है वो स्कूल लेवल पे तैयार करना है। तो रिजल्ट से संबंधित विभिन्न कक्षाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो शाला दर्पण पे परीक्षा परिणाम के संबंध में सबसे पहला तो है कि कक्षा एक और दो के जो रिजल्ट है वो होलिस्टिक कार्ड है वो स्कूल लेवल पर ऑफलाइन आपको बनाने हैं। होलिस्टिक कार्ड आपको पता होगा येलो कलर का आता है, जिसमें काफ़ी अधिक डिटेल्स है वो लिखी हुई थी, आपको स्टूडेंट्स की डिटेल्स भरनी पड़ती है, पहले भी आपने काम किया होगा, तो वो ऑफलाइन कक्षा एक और दो के बनाने। उसके बाद में कक्षा तीन और चार के SA1 SA2 और SA3 का यानी समेटिव असेसमेंट जो है उसके रिजल्ट है वो शाला दर्पण पे आपको सबसे पहले तो मार्क्स की एंट्री करनी है, जिसमें आपको जो ग्रेडिंग एंट्री करनी है जैसे ABC जो भी ग्रेड है वो एंट्री करनी है, उसका मैंने पिछले वीडियो में लाइव करके आपको बताया किस तरीके से एंट्री करनी है, तो वो भी मॉड्यूल इसी में शाला दर्पण का जो रिजल्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें जा करके नीचे समेटिव असेसमेंट का जो ऑप्शन है उसमें जा करके ये एंट्री करनी है। इसके अलावा कक्षा 6 और 7 के जो विषयवार अंक है वो शाला दर्पण पे आपको प्रविष्ट करने हैं, और ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, विद्यालय लॉगिन से कर सकते हैं और स्टाफ लॉगिन में अगर क्लास टीचर है तो वो भी मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद में इनके जो भी जो विषय के आप नंबर मार्क्स करेंगे उसके बाद में RKSMB के मार्क्स जब भी इसका रिजल्ट आएगा वो उसमें ऐड होकर के फाइनल जो मार्क लिस्ट है वो अपने आप ऑटोमेटिक ऑनलाइन तैयार हो जाएगी, लेकिन आपको विद्यालय स्तर पर जो भी अंक है वो टेस्ट होंगे, दोनों टेस्ट क्यों छठी साथी में तीसरा टेस्ट नहीं तो दोनों टेस्ट और अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के सारे मार्क्स है वो आपको एंट्री करनी है। इसके अलावा सभी विषयों और अतिरिक्त विषयों के मार्क्स एंटर होने के बाद में अपडेट होने के बाद में जनरेट एंड प्रिंट मार्क लिस्ट 2023-24 का ऑप्शन आपको किया जाना है, जिसको मैंने पहले बताया था, अभी जो वीडियो मैंने कुछ देर पहले अपलोड किया था उसमें बताया था कि आपको ग्रीन सीट जिसको कहते हैं वो आपको जनरेट करनी है, प्रत्येक स्टूडेंट की पहले आपको ग्रीन सीट अलग अलग इंडिविजुअली रिजल्ट है वो जनरेट करना है, उसके बाद में आप उसकी समय की पूरी कक्षा की निकाल सकते हैं, उसको चेक करना है, उसके बाद में वेरीफाई वगैरह का ऑप्शन अभी शुरू नहीं हुआ, तो जैसे ही ये ऑप्शन शुरू हो जाएगा आप उसको वेरीफाई करना है, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट है उसको प्रिंट करना है। तो सभी विषयों के जो भी मार्क्स है उसको सबसे पहले आपको अपडेट करना है, उसके बाद में जनरेट रिजल्ट और प्रिंट मार्क लिस्ट में जाकर के आपको ग्रीन सीट है वो ड्राफ्ट के रूप में तैयार करनी है। इसके अलावा कक्षा सेक्शन स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट पे क्लिक करना है, ये मैंने पहले लाइव आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप रिजल्ट शीट जनरेट करेंगे, तो उसमें आपको कक्षा सेलेक्ट करनी पड़ेगी और कक्षा 9 तक एक स्ट्रीम जैसे सेक्शन करना पड़ेगा, 11वीं 12वीं में आपको स्ट्रीम कला विज्ञान वाणिज्य वगैरह वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद स्टूडेंट की लिस्ट आएगी, प्रत्येक स्टूडेंट पे आपको एक एक को क्लिक करके इसका ड्राफ्ट जनरेट करना है, उसके बाद में आपकी उसकी समय की पूरी कक्षा की है वो ग्रीन सीट है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और स्टूडेंट के नाम के आगे जनरेट रिजल्ट पे क्लिक करके आपको ये सीट तैयार करनी है, ये पूरा मैंने लाइव बताया हुआ है आप वो वीडियो जरूर देखें। तो ड्राफ्ट मार्क लिस्ट शो हो जाएगी उसको आपको जांच करना है, और वेरीफाई ऑप्शन भी एक्टिव अभी नहीं हुआ है, तो मैंने पहले बता दिया आपको कि अभी तक यानी आज जैसे मैं 3 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ सुबह, तो अभी तक ये वेरीफाई का ऑप्शन एक्टिव नहीं हुआ है, जैसे ही एक्टिव हो जाएगा वेरीफाई आपको सभी को एक एक को करना पड़ेगा, और वेरीफाई के बाद ही आपको रिजल्ट फाइनल है वो माना जाएगा, यानी सभी स्टूडेंट का रिजल्ट जनरेट करने के बाद आप ग्रीन सीट पे जाएंगे तो ग्रीन सीट कंप्लीट ग्रीन सीट यानी पूरी कक्षा की शो हो जाएगी, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं अच्छी तरह से चेक कर लें और उसके बाद में परीक्षाफल रजिस्टर से मिलान कर लें, क्योंकि जो मार्क्स आपने एंट्री किए हैं वो परीक्षाफल रजिस्टर से आपको एंट्री किए, तो परीक्षाफल रजिस्टर में और ग्रीन सीट में मार्क्स है वो सेम होने चाहिए, अगर उसमें फर्क है तो आप ग्रीन सीट में जाकर के अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जब भी वेरीफाई का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा तब सभी स्टूडेंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा, वो मैं जब भी ऑप्शन शुरू होगा अलग से वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दूंगा, तो वेरीफाई ऑप्शन जब भी एक्टिव हो जाए उस सभी को आपको वेरीफाई करना है एक एक स्टूडेंट को, और वेरीफाई होने के बाद ही फाइनल मार्क लिस्ट है वो जनरेट होगी, और जिसमें शाला दर्पण का वाटरमार्क यानी जो शाला दर्पण का लोगो है वो मार्क लिस्ट के बीच में शो होगा, वो फाइनल मार्क लिस्ट होगी, उसको आपको प्रिंट करना है। और अगर मान लो कई बार क्या होता है कि कुछ एंट्री रह जाती है या कुछ टेक्निकल कारण से मार्क लिस्ट में स्टूडेंट की रैंक शो नहीं हो पा रही है, मान लो कोई स्टूडेंट एक आदि को रह जाता है तो वो पूरी कक्षा की एंट्री अगर शो नहीं होगी, पूरी डिटेल्स नहीं भरी जाएगी, तो वो रैंक में फर्क पड़ जाएगा या रैंक सही नहीं होगी, तो रिजल्ट को एक बार आप अनलॉक करके पुनः लॉक करें, यानी एक तरह से जैसे रिफ्रेश करते हैं उस तरीके से आप मान लो लॉक किया उसको आप अनलॉक करें, और अनलॉक करने के बाद में पुनः उसको लॉक करें तो सभी की रैंक वगैरह शो हो जाएगी, कुछ टेक्निकल इशू होते हैं वो थोड़े से आप कोशिश करेंगे तो वो आसानी से हल हो जाएंगे। उसके बाद में रिजल्ट संबंधी जो भी
जानकारी, उसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो भी बना रखा है, PDF भी इसके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किए, जिसमें प्रत्येक कक्षा में किस किस कक्षा में कितने नंबर का टेस्ट अर्धवार्षिक वगैरह होगी, और KSMB के मार्क्स कितने होंगे, किस किस विषय में मार्क्स होंगे और किस तरीके से होगी, तो ये सारी जानकारी आप उस PDF में देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पर दी हुई है। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको मेरे प्रत्येक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के मैंने जितने भी जो भी वीडियो वगैरह बनाए जिसमें इंपॉर्टेंट PDF वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट काम में लिया है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देता हूँ ताकि आपको सुविधा रहे, तो वहाँ से जाकर के आप ये PDF वगैरह वो डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ विशेष ध्यान रखना है कि रिजल्ट लॉक करने से पहले, यानी क्योंकि रिजल्ट लॉक करने के बाद में, हालांकि अनलॉक का तो ऑप्शन है लेकिन एक निश्चित समय के बाद में अनलॉक वाला ऑप्शन है वो बंद कर दिया जाएगा, तो लॉक करने से पहले सभी कक्षाओं के स्टूडेंट के एक तो आप चेक कर लें ऐसा रजिस्टर से उनके नाम, खास करके नाम की स्पेलिंग, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक है, वो शाला दर्पण और SR में मिलान जरूर कर लें। शाला दर्पण पे ज़्यादा आपको मिलान करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो भी मार्क लिस्ट जनरेट होगी वो शाला दर्पण से हो रही है, तो शाला दर्पण में तो और मार्क लिस्ट में तो सेम आएगा, लेकिन SR रजिस्टर में वो सही हो, SR रजिस्टर से ही डाटा फीड किया हुआ तो हो सकता है कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक वगैरह हो, तो वो आप जरूर ध्यान रखें, ये की मात्रा का कहीं होती है कहीं नहीं होती है या डेट ऑफ बर्थ वगैरह, क्योंकि एक बार जो मार्क लिस्ट जनरेट होने के बाद में उसको वापस बाद में बच्चे की जिंदगी भर काम आती है, उसमें कई बार मिसमैच के कारण उसको कई तरह की परेशानी आती है, तो कोशिश ये करें कि SR नंबर से और शाला दर्पण से या जो प्रिंट निकाल रहे हैं उसका मिलान कर लें, प्रिंट और शाला दर्पण पर तो एक ही रहेगा लेकिन SR नंबर में जरूर मिलान कर लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी कि रिजल्ट के संबंध में, तो मैंने आपको बता दिया कि पहली दूसरी का रिजल्ट है वो आपको ऑफलाइन होलिस्टिक कार्ड है वो येलो कलर वाले वो तैयार करने हैं, तीसरी चौथी का जो रिजल्ट है वो आपको शाला दर्पण पे रिजल्ट टैब है उसमें जाकर के SAM में एंट्री करनी है, समेटिव असेसमेंट एंट्री के आधार पर करना है, मैंने वीडियो बना रखा है वो देखें, कक्षा 6-7 से लेकर के और 9वीं और 11वीं की मार्क्स की एंट्री आपको करनी है, और उसके बाद में RKSMB के जो भी मार्क्स है वो कक्षा टीचर या जो भी सब्जेक्ट टीचर है वो अपने अपने OCR को स्कैन कर रहे हैं, तो जैसे वो अपलोड होकर के उसका रिजल्ट तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो 6ठी 7वीं या जो भी कक्षा है जहाँ RKSMB की है जुड़ करके उसमें शो हो जाएगा, तो उसके बाद में आप ग्रीन शीट जनरेट कर लें, चेक कर लें, उसके बाद में जब भी वेरीफाई का ऑप्शन आ जाए आप वेरीफाई कर लें, और सारा डाटा है एक बार आप शाला दर्पण मतलब जो अपने रिजल्ट शीट तैयार किए या जो रजिस्टर है परीक्षा परिणाम रजिस्टर और SR नंबर से नाम डिटेल्स वगैरह वो सारी मिलान जरूर कर लें। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, जानकारी अगर अच्छी और उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।